गुड मॉर्निंग दोस्तों। सोचा था कि अभी बाहर जाके बालकनी से व्यू वगैरह दिखाऊंगा, इतने प्यारे आ रहे हैं ना, तब भी मैडम जाग के बैठ गई। ये देखो एलिशा, और हाथ में पता क्या मॉर्निंग में सुबह सुबह दिखाना बेटा जैम्स। ट्री हाउस की बालकनी। तो हुआ यूं कि हम रात को जैसे काफ़ी लेट हो गए थे, तो हमारा ट्री हाउस है जो लोहित के ट्री हाउस से 50-60 मीटर दूर है, पर जंगल में अंधेरे में थोड़ा ये बहुत ही डिस्टेंस ज़्यादा लगने लग जाता है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे ही स्टे कर लेते हैं रात को। तो ये ऊपर के बालकनी का व्यू है, सोनी आपको अच्छे से दिखाएगी अभी। ये देखो लिशा एंड पापा दोनों मस्ती कर रहे हैं। मैं अंदर का व्यू दिखाने जा रही हूँ इनको। एंड गाइज ये देखिए, ये है जो नीचे रूम से ऊपर कनेक्ट करता है, इसे कहते हैं डुप्लेक्स रूम्स। और ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हम हैं जो रुके हुए थे। ये बेड है, इन्होंने फ्लोर पे बिछाया हुआ है। एंड ये कर्टन्स है। ये यहाँ पे दो चेयर दी हैं। ये एक्चुअली में ट्री हाउस ही है और ट्री यहाँ तक गया हुआ है। इन्होंने 2 फ्लोर बना दिए एक ही ट्री पे। एंड ये यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं यहाँ से हटाती हूँ तो ये वुडन के घर दिखते हैं आपको, ट्री हाउस। ये साथ में किचन है। एंड इस तरह से इसकी डिज़ाइन तैयार की है। कुछ इस तरह से ये हमारी बालकनी का व्यू शो हो रहा है। मैं आपको सीधा बालकनी दिखा रही हूँ दोबारा से। ये ऐसे इस स्टाइल में बालकनी बनी हुई है। खूबसूरती देखिए गाइस। बोलो सभी को गुड मॉर्निंग हनी। जैम्स खा रही है मैडम यार सुबह सुबह। आपको चाय नहीं दी किसी ने? नहीं दी आपको चाय? अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा बाय करो। वो बाय कर दिया। अरे वाह, इतने भाव खाते हो ना। फ्रेंड्स ये जो ट्री हाउस है ये है लोहित का, जहाँ पे लोहित ने स्टे किया है, जिससे इसके मैं आपको लुक दिखाता हूँ आगे से। और ये था जो डुप्लेक्स ट्री हाउस है उसका पूरा व्यू आपके साथ जो मैंने अभी शेयर किया। और यहाँ से मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। बेसिकली ये टांडी विलेज है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। एंड बहुत ही प्यारा शांत सा एरिया है। देखो थोड़ी सी मैं ऐसे ही वॉक करके देखता हूँ कि आसपास का कैसा सा माहौल है, और आप इंजॉय करो इस टांडी विलेज को। पेपर आ रहे हैं। कितना दूर है स्कूल? जिब्बी जाते हो पैदल? क्या बात है। ऑल द बेस्ट। तो पेपर चल रहे हैं बच्चों के और ये बच्चा भी स्कूल जा रहा है जिब्बी में पैदल, जो कि मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर है। सी इनके लिए मैं कल भी किसी लोकल से बात कर रहा था, इनके लिए ये बड़ी नॉर्मल लाइफ है, लेकिन हम मैदानी इलाकों वालों को लगता है कि पता नहीं कितनी टफ लाइफ जी रहे हैं। मैं कल इनसे पूछ रहा था, मैंने कहा तो बहुत टफ लाइफ जीते हो, तो इनका कहना था कि नहीं बहुत ईजी है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे हमने पार्किंग की थी रात को। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ नेचर की गोद के अलावा कुछ नहीं है। कहने का मतलब इट्स लाइक अ टोटल यू आर सिटिंग इन द लैप ऑफ नेचर एंड नो डाउट विलेजर्स स्टे कर रहे हैं, बट टूरिज्म का जैसे जैसे टांडी का जिब्बी का लोगों को पता लग रहा था, उसकी वजह से काफ़ी प्यारे होम कॉटेजेस, होम स्टेज एंड ट्री हाउस वगैरह खुल चुके हैं। तो मैं मतलब यही मैक्सिमम चीज़ें देख पा रहा हूँ। यहाँ तो बिल्कुल लोकल लाइफ है या फिर टूरिस्ट वगैरह स्टे कर रहे हैं। सो यहाँ पे और 2-3 ट्री हाउस दिख रहे हैं मेरे को प्यारे से। तो ये चलते चलते मैं शायद आ गया हूँ यहाँ पे एंड पॉइंट पे। यहाँ से आगे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई हैं और अगेन ट्री हाउस वगैरह हैं, वही जो भी आपसे मैंने बताया था, या फिर टूरिस्ट या फिर विलेजर्स या फिर नेचर या फिर शांति, पीस, ब्यूटीफुल। सो आगे ये बिल्कुल जंगल सा शुरू हो जाता है। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी होने वाला होगा, तो वापस जा रहा हूँ मैं अब यहाँ से। तो थोड़ा सा मैंने आपको व्यूज़ दिखाने के लिए और टांडी विलेज का एग्जैक्टली है क्या वो दिखाने के लिए मैं लेके आया था। और आगे का प्लान अभी हमारा कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है, लेट्स सी क्या करते हैं, क्या प्लान बनाते हैं, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा जल्दी। मीनवाइल आपको लोकल विलेज मेरा दिखाने का बहुत मन है, लोकल आई मीन लाइफ, लेकिन जो सुनने में आया कि टूरिस्ट वगैरह का वो ऑब्वियसली यू नो हर कोई उनके घर में ऐसे तो घुसना चाहेगा, देखना चाहेगा कि वो किस तरह उठते हैं बैठते हैं, तो उनकी प्राइवेसी ख़त्म होती है, तो इसलिए ज़्यादा इन्वॉल्व होने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा वहाँ जाना। बट आप पीछे मेरे देख सकते हो कि पूरा यू नो सुबह 5-6 बजे से उठे हुए हैं ये लोग, और इनकी जो रूटीन है वो है कि 5-6 बजे उठते हैं, अपने काम दिनचर्या करते हैं, मैक्सिमम 9 बजे सो जाते हैं ये लोग मैक्सिमम है वो। हाँ, जैसे हम जैसे टूरिस्ट आए हों और इनको अपनी यू नो कुछ भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, तो ये तंग होते ही होंगे, बट एनीवे दे आर स्टिल क्वाइट सपोर्टिव एंड ऐसा नहीं है कि ये साथ नहीं देते हैं। पूरा जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको नीड है, उसको पूरा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहीं पे पढ़ रहा था पीछे से, अभी एक फैक्ट आ रहा था कि एक आदमी जो है कि वो अपने 7 घंटे एक साल के स्पेंड करता है वॉशरूम के अंदर, जस्ट टू हैव दैट प्राइवेट टाइम। तो ऐसे इंसान के लिए तो फिर ये बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये आराम से अपना नेचर को लीजिए, नेचर की लैब के अंदर, पूरा जंगल के अंदर अपना नेचर को ले सकते हो आप रिलैक्स होके। डेस्टिनेशंस आप टिपिकली कह सकते हो, बिल्कुल जहाँ पे शांति पीसफुल है इन्वायरमेंट है और बहुत अच्छा है। हिमाचल टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देगा ये चीज़, और ऑब्वियसली टूरिस्ट तो इसको एंजॉय करते ही हैं। और एक आपका पूरा, क्योंकि हम मैदानी एरियाज़ में ऐसे चीज़ें मिल नहीं पाती देखने को, तो ये अपने आप में एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। होटल्स में आप बहुत बंदा स्टे कर लेता है, कॉटेजेस में स्टे कर लेता है, मोटल्स में स्टे कर लेता है, लेकिन एक टी हाउस में स्टे करना अपने आप में यूनिक एक्सपीरियंस है। आप देख रहे हो शाखाएँ जगह जगह, पेड़ की शाखाएँ निकली हुई हैं आपके जहाँ आप स्टे कर रहे हो, और इससे बेटर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम। लेट्स प्रमोट हिमाचल टूरिज्म, लेट्स प्रमोट इनक्रेडिबल इंडिया। ये देखो सारा भार हम जेंट्स लोगों पर उठाना पड़ता है, वो भी इतने पहाड़ी एरिया से। उस ट्री हाउस को खाली कर रहे हैं और ये इतना भारी लगेज लेके मुझे उसको ऊपर पहाड़ी के टॉप पे आना है। और मैडम पता क्या कर रही है, अभी उसके अंदर बैठी अभी भी मेकअप कर रही है। सोनी सोनी हेलो हेलो करो, वीडियो पे आ रहे हो तुम। हेलो तो सामान चेक कर लिया सोनी? हाँ जी हाँ जी चेक कर लिया, सारा कुछ है डन है। तो सामान सारा अंदर गाड़ी के अंदर डाल दिया, अभी निकल रहे हैं यहाँ से, चेकआउट कर रहे हैं ट्री हाउस के अंदर से। एंड बाय, आगे कनेक्ट करते हैं। बाय बाय।